हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये वीडियो है 10 अक्टूबर का। ये वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी, मेरे को टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं आज अपलोड कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे दो प्याज ली हूँ और ये जीरा और साबुत धनिया, इसको अच्छे से भून लूँगी। और अदरक लहसुन, इसका अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। एक आप इसमें अच्छे खड़े मसाले डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालूँगी, आप लोग डाल सकते हो। और इसको निकाल के मैं मिक्सी जार में पीस लूँगी। और ये ली हूँ फूल गोभी, इसके मैं पीस बना ली हूँ। और ये दो टमाटर ली हूँ, इसको पीस लूँगी मैं। और ये पनीर, पनीर को पीस कर लूँगी छोटे छोटे, अपने अकॉर्डिंग करना। और ये मैं फूल गोभी को तल रही हूँ, फ्राई कर दूँगी, गोल्डन ब्राउन फ्राई करूँगी। वो फ्राई हो गई है। और मैंने ये प्याज, जीरा, साबुत धनिया, अदरक, लहसुन, इसका पेस्ट बनाई हूँ। और ये देखो गोभी फ्राई हो गई है। और ये टमाटर का पेस्ट है, दो टमाटर। और ये मैंने गर्म पानी में डिप करके रखी थी पनीर सॉफ्ट होने के लिए, उसको मैं पीसेस कर लूँगी, अपने अकॉर्डिंग करना पीस, बड़े छोटे। और मैंने ये ऑयल गर्म है, इसको तल लेती हूँ, पनीर को फ्राई कर लूँगी, गोल्डन सुनहरे होते तक के फ्राई करना है इसको। और ये मैं कढ़ी भी बना रही हूँ, इसलिए मैं दही ली हूँ। और दही में बेसन डाल ली हूँ, चने के दाल का आटा, और उसमें हल्दी नमक डाल के घोल बना लूँगी। और ये पनीर को मैंने सुनहरे तल ली हूँ, उसको निकाल लूँगी एक प्लेट में। और इसका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकाल लूँगी, जितना ऑयल लगता है उतना रखूँगी। और ये तेज पत्ता डाली हूँ मैंने, और प्याज डाली हूँ। और ये अदरक लहसुन का, प्याज का पेस्ट डाली हूँ इसमें। और अच्छे से इसको भुनेंगे, इतना भुनना है कि उसको ऑयल छूटे तक के भुनना है, 5 मिनट तक के धीमी गैस पे भुनना है। और मैं यहाँ कढ़ी के लिए तड़का लगा रही हूँ, जीरा राय डाल दूँगी और मिर्ची डाल दूँगी और कड़ी पत्ता डाल दूँगी। और ये जो घोल बनाई थी, ये घोल भी डाल दूँगी। इसमें दही है, इसमें चना दाल का आटा है और नमक हल्दी है। हमारा ये मसाला भून गया है अच्छे से। अब इसमें थोड़ा से मसाले ऐड करेंगे, गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा लूँगी मैं। धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। अच्छे से इसको भून लूँगी। और इसमें गोभी ऐड करूँगी, इसमें टमाटर नहीं डाली, भूल गई हूँ, टमाटर अभी डाल रही हूँ इसके। और इसको अच्छे से भूनना है, सभी मिक्स कर देंगे और अच्छे से भुनेंगे। और इसमें पालक ऐड करती हूँ, मैं कच्ची पालक ऐड करती हूँ पीस के, लेकिन पालक मिली नहीं है इसके लिए मैंने पालक नहीं डाली हूँ। और ये पनीर के पीस डाल दूँगी और अच्छे से भूनूँगी, मतलब थोड़ा सा इसको मसाले को भूनूंगी। और अपने अकॉर्डिंग पानी डालना है, थोड़ा सा मैं पानी डाली हूँ और इसको पकाऊंगी, तो पानी थोड़ा कम हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले। सब्जी हो गई, मेरी कढ़ी भी हो गई, उसमें हरा धनिया डालती थी ऊपर से। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना।